हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को मसाले डोसे की स्टफिंग बताने वाली हूँ, किस तरह से हम बाहर का टेस्ट ला सकते हैं। इसके लिए मैंने आलू कुछ उबाल के लिए हैं, थोड़े कटी मिर्च ली है, धनिया लिया है, करी पत्ते लिए हैं चॉप करके, और नींबू लिया है, और एक प्याज मैंने लंबे लंबे कट करके लिया है, थोड़ी सी शक्कर ली है और थोड़ी सी उड़द दाल ली है, कच्ची उड़द दाल है जिसे मैं ऐसे रगड़ कर तेल में ऐड करूंगी। तो देखिए, मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन में तेल चढ़ा दिया। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, सबसे पहले उसमें मैं उड़द दाल ऐड करूंगी। आप जो हैं तो इसी वक्त थोड़ी सी चना दाल भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे ही दाल पक जाएगी, मैं उसमें थोड़ा सा जीरा डाली हूँ। जीरा जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ी सी राई डाली हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पका लूँगी। ध्यान रखिए कि मसाला जलना नहीं चाहिए, जल गया तो पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैंने इसमें अपने चॉप किए हुए करी लीव्स डाल दिए हैं, जिसे हम मीठी नीम भी बोलते हैं। मीठी नीम मेरी जैसे ही पक जाएगी, मैं इसमें थोड़े कटे हुए हरे मिर्च डाल दूंगी। हरी मिर्च भी मैंने बारीक कट करके ली है। अब ये सभी चीज़ों को पका लूँगी अच्छे तरीके से। जैसे ही पक जाए, मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, आधा ही पका कर लेना है प्याज, क्योंकि इसमें थोड़ा आधा पका हुआ प्याज ही काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद जैसे ही प्याज मेरा पक गया, देखिए मैं आलू को कट कर लूँगी। जब तक कि प्याज को पका रही हूँ, मैं आलू को भी बारीक काट करके लूँगी। ध्यान रखिए, आलू जब आप बॉईल किए हैं तो वो अच्छी तरीके से बॉईल हो जाने चाहिए, आधे कच्चे आधे पके नहीं होने चाहिए। आलू अच्छी तरीके से बॉईल हो जाने चाहिए। तो ये देखिए, प्याज भी ऑलमोस्ट पक गया है। मैं इसमें आलू सारे ऐड कर दूंगी, और आलू ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आलू थोड़ी और पतली होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। डोसे में फैलाने के लिए आलू थोड़ी पतली अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, और पानी डालने के बाद मैं इसे थोड़ा ढककर पकाऊंगी। ढककर पकाने का फ़ायदा ये रहता है कि जितना भी पानी है वो आलू एब्जॉर्ब कर लेती है, और आलू काफ़ी अच्छे से मैश हो जाती है, और उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। ढककर ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ता, सिर्फ एक मिनट में ही आलू अच्छी तरीके से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये देखिए, आलू मैंने पका लिया ढककर, आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने आराम से अभी मैश हो रही है आलू। और अब मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर डालूंगी। शक्कर का भी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। शक्कर डालने के बाद मैं अभी इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल दूंगी। अभी ही नींबू आप चाहे तो आधा डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है खट्टा तो आप एक नींबू भी इसमें पूरा डाल सकते हैं। अच्छे से अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने धनिया ऐड किया, हरा धनिया चॉप करके। धनिया तो बहुत ही अच्छा लगता है आलू में, वो आप ज़रूर डालें। तो ये देखिए, आलू को अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, और हमारी आलू डोसे में स्टफ़ होने के लिए तैयार हो गई है। अभी मैं आपको एक डोसा बनाकर उसमें स्टफ़ करके दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से अभी ये आलू स्प्रेड हो जाता है डोसे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने डोसा तवा रख दिया है, तवा गरम हो गया है। मैं डोसा जैसे ही थोड़ा पक जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें आलू लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे, थोड़ा पकने देंगे डोसे को। मेरा लोहे का तवा है तो थोड़ा पहला डोसा है थोड़ा सा चिपकता है। ये देखिए कितने आराम से आलू मैंने डोसे पे लगा दी है, और ये कितने अच्छे से डोसे में स्टफ़ हो जाती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से आलू डोसे में अच्छी तरीके से स्टफ़ हो गए। कट करके भी मैं आपको डोसा दिखाती हूँ बीच से। ये देखिए,